ताली मत मारिए सर, आप मेरी टीम में आओगे। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, अच्छा जुगलबंदी अच्छी हो रही है ना, तो तारीफ करनी चाहिए। मेरा मॉइस्चराइजर खाते नहीं गई आपने? नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। इसी जुगलबंदी से मुझे याद है, मैं आपको बता रहा था दुनिया वालों, आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेशरम आदमी कौन है, और उसका जवाब आप सब लोगों ने सही दिया कि निहायत ही बेशरम आदमी ये प्रोफेसर। अब ये प्रोफेसर इतना बेशरम है कि आप इसको कुछ भी कह लो, कितनी ही गालियां दे दो, ये निहत्ता ही देखो कहां कहां लगा रहा। ठीक भाई, अब इन्होंने बेशर्मी की, अभी बस इन्होंने बेशर्मी की हद पार इसलिए कर दी क्योंकि अब इन्होंने निकाला है एक बेशरम टॉनिक। अब ये बेशरम टॉनिक क्या है आप खुद ही देखिए, जाइए देखिए। हुआ मैच हारने के बाद बहाने मारने से झिझकते हैं? आपकी वजह से हम जीता हुआ मैच हार गए, आप जीरो पर आउट हो गए। We haven't scored a single run. आखिर रीजन क्या था? अब ऐसी सिचुएशन से भागने की जरूरत नहीं, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर LBW लेकर आए हैं बेशर्म टॉनिक। टॉनिक पी के अपने जमीर को गले उतारी है और बेशर्मी से मैच हारने के बाद बहाने मारिए। जीता हुआ मैच आपकी वजह से हम हार गए, इस बार आप फिर से जीरो पर आउट हो गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले मैच में अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं 10 बॉल के बाद डक पे आउट हुआ था, इस मैच में मैं 4 बॉल के बाद डक पे आउट हूं, मैं 4 3 बॉल के बाद एक वाइड गई थी, सो आई थिंक 7 बॉल मैंने फिर भी आज नेक्स्ट बैट मैच के लिए छोड़ी है। यू सी 7 के 42 रन वो मार सकता, नेक्स्ट मैच आई शैल ट्राई एंड एम कि मैं फर्स्ट बॉल पे डक पे आउट हो जाऊं, सो दैट वे माय परफॉर्मेंस गेट बेटर। या पीस आउट। आपको बेशर्मी से बहाने मारने से डिस्ट्रैक्ट न करे, इसलिए बेशर्म टॉनिक के साथ एक नाक बंद करने का क्लिप और टंग क्लीनर बिल्कुल फ्री। डिस्क्लेमर, ये लाइन वैसे ही बोल दी गई है, ना बोलते तो भी फटे। बेशर्म टॉनिक जी हाँ। ये क्या चीज है? रोज आप भी 2 चम्मच लें, आप देखिए आपकी सीट यहाँ से यहाँ आ जाएगी। नहीं मैं ठीक हूँ, आप ही लीजिए आपके बेशरम टॉनिक, ठीक है? हाँ। और आप सब बेशरम टॉनिक मत लीजिए, जियो आपके लिए लाया है जियो फोन मैच पास फॉर एवरी फ्रेंड हु गेट्स अ जियो फोन। वेल यू गेट 8 GB डेटा extra for 4 days. So what are you waiting for? Have your friend call us on 1-800-890-8900 right now. And as usual, hum yahan baithe apne audience mein ek lucky winner ko denge Jio phone. And the winner is Raj Rathor. किससे लेना पसंद करेंगे ये ट्रॉफी? क्यों क्यों मेरे हाथों पे क्या जंग लगा हुआ है? तेरे को खराब हो जाएगा, तेरे को नमी है मेरे हाथों। बहुत बढ़िया, ये क्रीम लगाई है इसलिए नहीं हम दिला रहे। बहुत बहुत मुबारक एरिया, मेरा ट्रॉफी आपसे ले रहे हैं। देखिए हाँ प्रोफेसर साहब, उनको आपसे फोन इसीलिए नहीं लेना था, उन्होंने देख लिया था अपने कहाँ कहाँ हाथ डाला। ठीक है चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ बिल्कुल, अभी हम बात करते हैं थोड़ी। Let me solve this. Okay. I'll say Dumshav Isa, okay. May Bala Bala. Okay. What okay? Bala Bala Tutu ho gaya. To jis tarah ki baat kar raha Tutu nahi to Tutu banta hai. Tutu banta hai? Yes. Okay. I'll say tomorrow naam Ram Prasad, mera naam Gafur Bhai. Isse kya hoga? Isse logo ko maza aayega, aur kya hoega? अच्छा एक सेकंड, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ जो ये भुलिया बना के आप है कौन? आप कौन? Oh, let me handle him. आज पूछ रहा है कौन, कल को नंबर के लिए पूछेगा, फिर डिनर के लिए पूछेगा। I know I can't tolerate this type of boys. पूछ रहा है तो अभी पूछो, अभी गेट पे चलो ना। नहीं इसको छोड़ो, अपना प्रॉब्लम आप इधर रहिए।
तुम लोगों को चाहिए क्या? बोलो क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है? तुम चुप रहो, आप समझाती नहीं है इनको। कपिल सर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्लीज। बताइए क्या है? आप यहीं पे खड़े हो। हाँ, आप बताइए क्या कर। प्रॉब्लम यह है सर कि देखते ही देखते, जस्ट होल्ड दिस, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। बस सर, सिट डाउन कपिल सर। देखते ही देखते 2020 का सीजन खत्म हो जाएगा सर। तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। देखते ही देखते 2020 का सीजन पूरा मैच खत्म। मैं उगाता है, मैं क्या करूं। मैं ये बोल रही थी कि देखते देखते 2020 का सीजन खत्म होने को आ रहा है, ऊपर से हम लोगों को पेंशन भी नहीं मिलता। डेली अलाउंस तो मिल रहा है। क्या बात है, क्या? हाथ हाथ चलाकी नहीं कर। हाथ नहीं, ये तो खाली पॉम पॉम है। नहीं, वो वहां से फिर शुरू करेगा। वो नहीं, उसका इतना है छुल्ला। छुल्ला क्या चालू नहीं करना। मैं प्रोफेसर हूँ, छुल्ला नहीं हूँ। ओह नो, ओके ठीक है, ओके चार चार रहे। अचार कौन सा? नहीं नहीं, इस तरफ नहीं, आउटर उधर। अरे ओके, हाँ आप आराम से। हाउ कैन यू टॉलरेट टुल्ला? भोजपुरी फिल्म में कभी कभी छोटा मोटा कैरेक्टर मिलता है, वो भी जब अगर किसी को गोल्डन बाल वाला बूटी चाहिए। ऊपर से 70 years के करीब हम लोग जा रहे, धीरे धीरे हम लोगों का चार्म कम हो रहा है। उम्र का बहाना मतलब 16 साल की उम्र से ही तुम चार्मलेस थी, मेरे को पता है तुम्हारा। नहीं नहीं, क्या मतलब? आप मारो सर। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों क्यों? अच्छा अच्छा, मैं बोल लूं, मेरे को मारेंगे सर। आप अपने शब्दों से, अल्फाज से, वर्ड से इनको मार डालिए, कोई बात नहीं। इनसे नहीं, छुल्ला जस्ट डाई। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? तुमको चाहिए क्या? हमको रणबीर कपूर चाहिए। क्या बात कर रही है? जब औकात नहीं है देने की तो पूछते क्यों हो? औकात की बात करें तो प्रोफेसर साहब को देख लो आप, उनसे विमल मांगो, संतोष मांगो, रणबीर कपूर। तुम भी पागल है, राजपाल यादव देने का औकात नहीं, तुम रणबीर कपूर मांगते। बात बात में उधर क्यों जाता है? उन्होंने बोल दिया बेटा बैठो इधर। अच्छा भैया, मैं सिंपति, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई सिंपति। एक मिनट, से नहीं चलेगा, होंठ बदलना पड़ेगा। चेंज योर होंठ। तुमने छुल्ला को कॉपी किया सर। हमारा कमिंग बैक टू माय समस्या सर, डोंट चेंज द कंटिन्यूटी। ऐसे में सर हमने ऐसा डिसाइड किया है, अब और किसी चीज से नहीं होगा, सिर्फ योगा से होगा। ब्रीथ इन, breathe out. No, little bit of physical exercise. Okay. Yes, let's go physical. All right. And mera, maine ek asan ijaad kiya hai. Ijaad kiya hai. Okay. Us asan ka naam hai chori chori chupke chupke asan. Karke bataiye. Ji haan, ye un logo ke liye asan hai jo shaadi nahi karna chahte hai, bas चोरी चोरी चुपके चुपके योगा करना चाहते हैं। योगा करना सर, आप कैन यू? नहीं, मैं शादी शुदू हूं। आप क्यों? मैं किया है। यू कम, आई कम। चोरी 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 चुपके चुपके आसन, चुपके चुपके आसन। ओके, उसके लिए एक छुल्ला तुम भी करो, इधर आओ। ये दे दो, ये छुल्ला का मैक्सी खोलो। कोई ये किताब भी दे दो, जाओ तुम्हारा मैक्सी खोलो। कम या छुल्ला बढ़िया है, तो बाबा श्यामदेव जो मुझे। ओके
Let's not divert from the topic. Chori, chori, chupke, chupke. Mexico. ये तो खुले खुले हो रहा है, चुपके चुपके कहाँ आ रहा है? Okay, ठीक है. देखो इस आसन के लिए सबसे पहले, okay? मैं पूछ लूँ, मैं करूँ सर? हाँ, सेंटर में आके कीजिए, इधर इधर आ जाइए. Because he's forcing me to do, I'm doing. Okay. हाँ, okay. Please. हाँ. ध्यान रखना आपका ये उतर ना जाए. बैंड फट गया था लास्ट टाइम, अभी चोरी चोरी चुपके चुपके आसन, चोरी चोरी चुपके आसन के अंदर आप सबसे पहले चोरी चोरी नीचे जाओ. जीसस. ऐसे. कौन था ये? ओके, चोरी चोरी नीचे जाओ, चुपके चुपके ऊपर आओ, फिर लेफ्ट पे देखो कोई आ तो नहीं रहा है. ये राइट है. ओके, तो राइट पे देखो कोई आ तो नहीं रहा है. नहीं. फिर लेफ्ट पे देखो कोई आ तो नहीं रहा है. नहीं. कोई नहीं आ रहा है. नहीं. फिर वापस नीचे जाओ. चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके. मैं चोरी चोरी चुपके चुपके मोटी पे बैठ गया. आप इधर बैठिए, थक गए होंगे. नहीं, आप थक गए होंगे. आपको मेरा आसन कैसा लगा? आपका आसन बड़ा अच्छा था, आप थक तो नहीं गए? नहीं सर, इनका आसन बड़ा भी है और अच्छा भी है. बहुत अच्छा. थैंक यू जी. बहुत ही बड़ा आसन है ये, तीन लोगों का होता है, इनका अकेले का है. मेरा स्कर्ट दे. कम जाते जाते स्पेशल आसन सिखाना चाहिए इसको. स्पेशल आसन? यस. अच्छा, मुझे तुमसे आपके लिए भी एक स्पेशल आसन है सर. क्या क्या? मैं इधर आ रहा हूं. आप बात करिए. हां जी. ये ना आप एक बार देखना, पता नहीं जल्दी भाई पर क्या लेते हैं. चलो यहां से, टाइम बर्बाद कर यार, क्रिकेट स्पेशल बैठे हुए. चलो चलो. These are the people who are not letting us have a serious conversation about cricket. Yes, yes. ये लीजिए. Serious conversation about. मैंने सोचा आप इनको भी छोड़ के आएंगे. मैं सोच ही रहा था वैसे. ठीक है. Please, please. You know, I hate these people. अभी हम थोड़ा कल की मैच के बारे में बात करें. I must. कल का तो डिसाइड करना आज बहुत जरूरी है. है ना? Yeah. आप डिसाइड करेंगे कि कल मैच में क्या होने वाला है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेड डेविल्स खेल रहे. दोनों ही टीम्स बॉटम ऑफ द टेबल में लैंग्विश कर रहे, लेकिन ये क्रिकेट है और वो भी किसी और की पार्टी खराब करना चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है. दोनों ही टीम्स, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हर गेम जो होता है वो जीतने के लिए होता है. ये तो नहीं किसी की पार्टी खराब कर सकते. आप तो नहीं करते ना? नहीं, इनको बस यू नो माय नेचर सर, यू नो माय नेचर. आपको टीम को सपोर्ट करना है, पार्टी अपने आप ही खराब हो जाएगी. करें आप सपोर्ट, बट खैर जैसे जैसे चल रहा है. आप कल की मैच में आप किसको सपोर्ट करेंगे प्रोफेसर साहब? तो ये कल का मैच भी मैं दोनों टीमों को सपोर्ट करना चाहूंगा. दोनों को? अगेन आप फेंस पर बैठोगे? हाँ जी. फेंस पर? फेंस पर मैं क्यों बैठूंगा? अकेला नहीं बैठूंगा. लेकिन अगर आप मिल सको. मैं नहीं बैठने वाली. बट आई थिंक जो कपिल सर कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ. आज के मैच के बाद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अब ऑर्डर किसी भी तरह बदल सकता है, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? व्हाट डू यू थिंक कि कल के मैच का क्या होगा और उससे क्या उलट फिर होगा ऑर्डर में? देखिए, कल के मैच का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दिल्ली डेयर डेविल भी नीचे है, आरसीबी भी नीचे है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन आप अपनी अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए खेलते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए भी खेलते हैं. नहीं, टीम की आपको मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ आप अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाइए. अगर आप नहीं भी अच्छा खेले, फिर भी कहना चाहिए कि इस टीम ने इस साल अच्छा नहीं खेला, इनके पास इम्पैक्ट प्लेयर हैं. क्योंकि लोग इतनी दूर से आपको सपोर्ट करने आते हैं, चाहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिल तोड़ के मेहनत करके मैच खेलें और कहें कि ओके, हम नहीं पहुंच सके फाइनल तक या क्वार्टर फाइनल तक, बट वी विल प्ले द बेस्ट क्रिकेट. फुलफिलिंग की फीलिंग आनी चाहिए. हाँ बिल्कुल, उस ढकार की तरह. वक्त हो गया अभी हमारे जाने का. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच कपिल भाई. वी हैव टू गो. हां, वी हैव टू गो नाउ. और कैन यू ड्रॉप मी? ओके. और इनको जरा भूलते हुए हम आपकी तरफ आते हैं. और जो दीवार आज प्रोफेसर साहब ने हमारे बीच खड़ी कर दी है, वो दीवार कल डेफिनेटली गिरेगी और ये दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी हो सकती है या फिर
दोस्ती में बदल सकती है और कल के मैच टूर्नामेंट में क्या उलट फेर करेंगे ये तो हमें कल पता चलेगा. तो हम आपसे मिलेंगे कल शाम 7:30 PM ओनली ऑन जियो थनथनाधन लाइव. अप अंटिल देन गुड बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.